चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर जस्ट डूइंग फैंटास्टिक। जी हाँ, वैसे एडिनबर्ग के रिसर्चर्स है ना, वो भी कुछ फैंटास्टिक कर रहे हैं हमारे लिए। जी हाँ, उन्होंने कुछ चाइनीज स्मार्टफोन्स टेस्ट किए, वन प्लस, शाओमी, ओप्पो, रियलमी, और उन्होंने क्या फाइंड किया पता है? कि लार्ज अमाउंट ऑफ यूजर डेटा ट्रांसफर होता है सर्वर्स पे, पर्सनल डेटा। थैंकफुली देयर इज अ यू नो काइंड ऑफ अच्छी बात है उसमें एक, ये जो फोन्स थे वो चाइनीज थे, इंडियन नहीं थे, मतलब चाइना में खरीदे हुए थे। तो इसका मतलब चाइनीज कंज्यूमर जो है ना, जो फोन लेते हैं उधर ही, एंड्रॉयड फोन्स वगैरह, यही रियलमी, शाओमी, ओप्पो वगैरह, इनका बहुत सारा डेटा सीधा गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है। जी हाँ, थैंकफुली वी इंटरनेशनल कंज्यूमर्स मे नॉट बी अफेक्टेड। मैं ऐसे नहीं 100% कह सकता हूँ कि अफेक्ट हुए नहीं है हम, जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके बहुत सारे जो डेटा प्राइवेसी रूल्स वगैरह वो लेके आ गए, उसकी वजह से वी आर आई थिंक अ लिटिल सेफ। दोस्तों पता है, परसों मैंने आपको बताया था कि 100-150 ऐप्स बैन हो गए थे जो चाइनीज थे, अब उसमें से बहुत सारे इंडियन भी थे, लेजी पे, क्रेड भी, ये सब लोन ऐप जो थे वो भी बैन हो गए थे गलती से। अब दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने वो बैन, जो कुछ कुछ ऐप्स इंडियन थे जिनका चाइनीज के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, वो अनबैन कर दिए। इकोनॉमिक टाइम्स ने इंडिपेंडेंटली ये कंफर्म भी कर दिया, ये जो ISPs हैं उन्होंने अनब्लॉक कर दिए ये सब ऐप्स और वेबसाइट, लेजी पे, क्रेडिट भी, ऐसे बहुत सारे थे, किश्त वगैरह जो थे। सो या दैट्स गुड न्यूज फॉर इंडियन कंपनीज एटलीस्ट। ऑलराइट, नए लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं, हमेशा स्मार्टफोन्स तो नहीं होते दोस्तों, चिपसेट के बारे में बात करते हैं। MediaTek ने अनाउंस कर दिया उनका हीलियो G36। ये ऑब्वियसली बजट सीरीज के जो फोन होते हैं उनमें G35 आ गया, G37 था, बीच में G36 आ गया। ये बेसिकली 12nm प्रोसेस पे है एंड हाइपर इंजन 2.0 लाइट, गेमिंग भी है इसके अंदर, वाईफाई 5, ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट है। तो 10,000 के करीब या उससे कम में जो फोन होते हैं उनके लिए आया हुआ है G36। अब दोस्तों आने वाले फोन के बारे में बात करते हैं जो लॉन्च होने वाले हैं। ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप, ये फोल्डेबल या फ्लिपेबल जो स्मार्टफोन है दोस्तों, February 15th को उसका ग्लोबल लॉन्च इवेंट कहा जा रहा है। ये ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो गया, अब इंडिया में अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज मतलब ग्लोबल लॉन्च होने वाला है। 6.8 इंच की एमोलेड, E6 एमोलेड स्क्रीन है एंड ऊपर का जो कवर डिस्प्ले 3.62 इंच का है। डायमेंसिटी 9000 प्लस प्रोसेसर है, 4300 mAh की बैटरी है एंड ये फ्लिपकार्ट पे होने वाला है, इंडिया में आप खरीद पाओगे, 1,00,000 के नीचे भी होने वाला है ऐसे कहा जा रहा है। Let's see, let's wait and watch. चलिए कुछ leaks and rumors के बारे में बात करते हैं, take it with a pinch of salt. Vivo V27 series का design जो है वो leaked poster से आ गया है, सामने आ गया है, पता चल गया कि V27 कैसे होने वाला है। इनफैक्ट इस सीरीज में 3 फोन्स होने वाले, V27, V27 Pro एंड V27e. Yes. So, प्रो है, ई है एंड नॉर्मल V27 है। इनफैक्ट इसका भी फेब एंड या मार्च फर्स्ट वीक में लॉन्च इवेंट होने वाला है। फाइनली नॉर्ड का कोई डिवाइस आ रहा है, स्मार्टफोन आ रहा है, वन प्लस नॉर्ड 3 के स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो लीक हो गए हैं। यस, बहुत सारे लोग रुके हुए नॉर्ड 3 के लिए, मुझे पता है। 6.5 इंच FHD प्लस 120Hz एमोलेड स्क्रीन होने वाली है, 50MP का OIS कैमरा है, 8MP अल्ट्रावाइड एंड 2MP एंड 32MP का सेल्फी है, 4.5 या 5 mAh की बैटरी है बट 100W चार्जिंग होने वाला है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायमेंसिटी 8100 मैक्स या फिर डायमेंसिटी 8200 पे होने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ प्रीमियम मिड रेंज या उस लेवल का होगा नॉर्ड 3। तो सो इस टाइम 7th Plus Gen 1 या फिर 7th Gen 2, ये कौन सा होने वाला है वो पता नहीं है। बेसिकली वो उसका जो कोड नेम है वो SM7475 है और ये बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसके बेंचमार्क, अंतुदु बेंचमार्क्स आ गए एंड सरप्राइजिंगली 7th Plus Gen 1 या 7th Gen 2 जो भी नाम होगा, 1,000,000 से ज्यादा दोस्तों अंतुदु स्कोर आया हुआ है। रियलमी का कोई डिवाइस है जिसके ऊपर ये चिपसेट है एंड 1,000,000 प्लस अंतुदु स्कोर आया हुआ है, दैट इज क्रेजी। मतलब अभी तक 8th Gen 8 सीरीज के जो होते थे सिर्फ उन्हीं का स्कोर 1,000,000 के ऊपर होता था, अब 7 सीरीज के जो चिपसेट्स होने वाले उनका भी स्कोर 1,000,000 के ऊपर है। वैसे जो पहला डिवाइस है वो मार्च अप्रैल में लॉन्च होने वाला है ऑन दिस चिपसेट। क्यों करता है एप्पल ऐसे, समझ में नहीं आ रहा है। अब दोस्तों पिछले 1-1.5 साल से खबरें आ रही थी कि टाइप सी पोर्ट आने वाला है, जो अगले आईफोन होगा तो उसके अंदर टाइप सी पोर्ट होगा चार्जिंग के लिए, तो हम बहुत खुश थे कि भाई हम कौन सी भी केबल इस्तेमाल कर सकते थे USB टाइप सी वाली, लेकिन नहीं, दैट टाइप सी पोर्ट फंक्शनैलिटी जो है दैट विल बी लिमिटेड टू आईफोन्स। इनफैक्ट एप्पल ने कुछ कस्टम IC बनाए हुए हैं USB टाइप सी पोर्ट के लिए, जो बेसिकली ऑथेंटिकेट करेंगे कंपोनेंट्स को, जो केबल वगैरह आप इस्तेमाल करोगे तो आपको एप्पल की ही केबल लगेगी, उसी का चार्जर लगेगा और फिर ही वो चार्ज होगा। इसका मतलब कोई दूसरा आपने चार्जर ले लिया, USB टाइप सी केबल ले ली, तो उससे शायद आईफोन जो है वो लॉन्च नहीं, जो आईफोन है वो चार्ज नहीं होने वाला है। वाओ, आई होप दिस पर्टिकुलर न्यूज इज रॉन्ग।
सीरियसली फिर क्या फायदा, फिर लाइटनिंग पोर्ट हो यूएसबी टाइप सी हो फर्क क्या पड़ता है। वक्त होता है स्टील द डील का, हम जहां पे आपको डील्स बताते हैं। ओप्पो रेनो 8 जो डायमेंसिटी 1300 पे है दोस्तों, ये अब अंडर 30,000 आ रहा है। ओप्पो एनको एयर 2 प्रो वन ऑफ द बेस्ट TWS अंडर 4000 3500 के है। दोनों भी मैंने प्रोडक्ट्स टैग किए हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा व्यू प्रोडक्ट्स में। ऑलराइट, वक्त होता है रैपिड फायर आपके फेवरेट सेगमेंट का। व्हाट्सएप नया फीचर ला रहा है जहां पे आप 100 इमेजेस एक ही टाइम पे शेयर कर पाओगे, इनफैक्ट हाई क्वालिटी फोटोज भी आप भेज पाओगे। अभी तो पता है आपको कि जब फोटो भेजते हैं उनकी क्वालिटी कम हो जाती है, बट 100 इमेजेस एंड हाई क्वालिटी फोटोज। वैसे OnePlus 11R लॉन्च इवेंट में जो OnePlus 11R 5G लॉन्च हुआ था दोस्तों, उसको भी 4 मेजर अपडेट्स मिलने वाले हैं और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। Wow, OnePlus is doing great. वैसे दोस्तों अगर आपके पास Galaxy S22 है तो One UI 5.1 अपडेट जो है रिलीज होना चालू हो गया है, लेकिन यूरोप के लिए इंडिया में बहुत जल्दी रोल आउट चालू हो जाएगा। MX Player दोस्तों आपको पता है, जी हाँ, OTT प्लेटफॉर्म है ये, Amazon acquire करने वाला ऐसे कहा जा रहा है, और टाइम्स इंटरनेट के साथ उनकी बातें भी चालू हो गई है। सो MX Player by Amazon हो सकता है। दोस्तों Vivo ने साइलेंटली उनका Y100 जो है इंडिया में लॉन्च कर दिया है। 8128 वेरिएंट के लिए 25,000 24,999 प्राइस आई हुई है। चलिए दोस्तों आज की हमारी ड्रैगन टेक न्यूज एपिसोड नंबर 1444 होती है खत्म इधर ही। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कर दिया, शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।